यहाँ पर सामने जो बैठे हैं ये हैं ग्रीन गोल नर्सरी के मशहूर वाली धर्मवीर सिंह जी। और हमारे इस गमले में लगा हुआ है ये बारामासी नींबू का पौधा। आप लोग देख सकते हैं हमारे इस बारामासी नींबू के पौधे पर कितने सारे फल आए हैं, और इस पौधे पर जो फल आए हैं वो आए हैं इस चीज के इस्तेमाल करने से। और ये क्या चीज है, इससे कैसे हमने फल लिए इस नींबू के पौधे पर, वो तरीका धर्मवीर सिंह जी आज की इस वीडियो में हम लोगों को बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को बताएंगे कैसे नींबू का पौधा लगाना चाहिए और गमले में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा सही रहता है। इसके अलावा नींबू के पौधे को कैसे ग्रो किया जाता है, या इसके अलावा नींबू के पौधे पर फूल झड़ते हैं फल में नहीं बदलते, या फिर फल में बदल भी जाते हैं तो छोटे छोटे जो फल हैं वो गिर क्यों जाते हैं, इस तरीके की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को देने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी नींबू का पौधा है और इस तरीके की दिक्कतें हैं कि नींबू के पौधे के फल नहीं आ रहे हैं, नींबू के पौधे पर छोटे फल गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया, जे मेरे गमले में जो नींबू का पौधा आप लोग देख रहे होंगे, जे पौधा मैंने ही मतलब लगाया है इस गमले में। और जो देसी नींबू है और देसी जो कागजी नींबू होता है वो नींबू है जे। और आप जो देख रहे होंगे कितने सारे ढेर सारे इस पर फल कंप्लीट हुए हुए हैं, तो इसकी देख रेख मैंने ही करी है। और जे देख रेख में मेरे काफी सारे नींबू जो आ रहे हैं आप लोग देख ही रहे होंगे इस समय। और ये 12 महीना 300 दिन नींबू आता है, और इसकी जानकारी मैं दूंगा कि ये मैं क्या क्या देसी नुस्खा जी अपनाता रहता हूँ। तो जो हम लोग देहात के रहने वाले हैं तो हमारा जो तरीका होता है वो ऐसा है कि हम देहात में रहने वाले तो हम जो अपने कोई देसी नुस्खा अपनाते रहते हैं, जैसे पौधन पे भी। और वैसे भी मैं नर्सरी में काम तो करता ही रहता हूँ तो मैं देसी नुस्खा ही अपनाता हूँ। तो मैंने ये तजर्बा करके इस पे देख लिया, अब जो नींबू बहुत सारे काफी आए हुए हैं। और इस गमले में आप देख ही रहे हो, इतने बड़े गमले के साइज में मैंने ये नींबू का पौधा लगा रखा है। लगभग करीब में ये पौधा 1.5 साल का लगभग हुआ है, इतने से ज्यादा नहीं है। और 1 साल का पौधा देखो ये है मेरे बराबर में, आप लोग देख रहे होगे भैया, देखो ये वाला। तो जे नींबू आप देख रहे हो जो पाकिस्तानी नींबू है, जे वाला जो नींबू है भैया जो पाकिस्तानी वाला नींबू है। और इस पर भी देखो काफी सारे फल आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होगे कि इस पर भी कोई फल पका नहीं है, सब हरे फल हैं ये, इस पर सारे फल ये लगे हुए हैं। जे पौधा जो है मेरे यहाँ का नहीं है, क्योंकि ये पौधा जो बाहर से लेकर आए हैं मरा लगाया मैंने ही है। और आप सामने ये पौधा आप देख रहे हो, ये पौधा मेरे यहाँ का ही लगा हुआ है। और ये जो पौधा जो है मेरे यहाँ का ही लगा हुआ है और मेरी नर्सरी का आया हुआ पौधा है जे। अभी इस पौधे पर इस समय फल आने का इस पर इतना फल आया है कि मतलब सब फल में ही बदल गया पौधा। मतलब हमने जो चीज अपने इसके मतलब में मैंने लगा के गया तो इस पर इतना सारा फूल और इतना फल रुका है कि इसका कोई जवाब नहीं है। और आप देख ही रहे होगे कि कितना फल आया है इस पौधे पर। अगर किसी तरीका का अगर आपके घर पर अगर नींबू का पौधा है तो आप चाहो तो इतने बड़े गमले में देसी नींबू का पौधा लगा सकते हो और फल 100% आ जाएंगे। ये मुझे पक्की उम्मीद हो गई है कि इस पर फल आना चाहिए। जब मैंने यहाँ पर इसकी देख रेख करी है तो आपके घर में भी आना चाहिए। तो भैया इसके बारे में मैं आपको पौधे के बारे में जो बताने जा रहा हूँ भैया, ये पौधा जो है जो कागजी नींबू का पौधा है और ये बीज का पौधा नहीं है। आप अगर समझे कि मैंने इसी नींबू का बीज निकाल के और अगर किसी गमले में जमा दिया उस पर फल आ जाए, वो नहीं आएगा। ये बात 100% बता रहा हूँ मैं, क्यों कि ये जो है हम जो पौधा बनाते हैं तो इसका हम पे एक मदर होता है। ये कागजी देसी नींबू है, इस पर कांटे अधिकतर ज्यादा होंगे ये मुझे मालूम है। तो इसको जो हम जो बनाते हैं पौधा वो हम अपनी गूटी के द्वारा बनाते हैं, जो हम गूटी बांधते हैं, और या फिर कलम के द्वारा बना लेते हैं। एक दूसरे नींबू देसी का पौधा जमा के इसकी टहनी भी बांध के बना सकते हैं, और ज्यादातर हम गुट्टी से ही तैयार करते हैं। तो जो नींबू असली पौधा वो ही माना जाएगा जो हम गुट्टी से पौधा तैयार करेंगे, और जब ही नींबू आएगा आप समझे कि ये देसी नींबू कागजी बता दिया तो आप बीज जमा के कर लो तो ये बीज वाला नींबू पे ऐसा फल नहीं आएगा। आएगा वही फल जब आप ग्रैपिट का नींबू लगाओगे, ग्रैपिट जो होगी उस नींबू पे कागजी देसी नींबू पे, तो 100% ऐसे ही फल आएंगे। और जे आप बराबर में जो देख रहे हो जे वाला जो पाकिस्तानी वाला नींबू है, जे इतने बड़े साइज में आता है, इस पे जो कांटा होता है बहुत छोटा होता है और हल्का होता है, और ये चुभता भी नहीं है ज्यादा इस वाले पे जो आप मैं बता रहा हूँ जे वाले। तो
तो इस वाले नींबू को अगर चाहो तो इससे भी आप लगा सकते हो। और जे वाला जो नींबू है मेरे पास, जो देसी कागजी है, इस पे कांटा ज्यादा मिलेगा, इसकी टहनी टहनी पे कांटा होता है, और नींबू इस पे पौधे पे ज्यादा होता है, क्योंकि पौधा पे इस पे 100% अगर जमीन में होता नहीं है तो एकदम से इतना लिसका आता है नींबू इस पे, इसका कोई जवाब नहीं। जब गमले में आप इतने बड़े साइज के पौधे पे आप देख रहे हो कि इतने सारे नींबू आए हैं इस पे, तो जमीन में कितने आएंगे, तो ये जमीन में भी खूब भर के नींबू देता है। किसी प्रकार से जैसे आप सोचें कि जैसे हमारे नींबू पे इतने फल आ गए और हमारे नींबू पे नहीं आए, तो वो एक तरीका होता है जैसे नींबू लेने का। तो जैसे ये जो फल जो हमने रोका है, जो शुरू रात बरसाती जैसी चालू हुई थी तभी इस पे फूल बनना चालू हो गया। तो जो मैंने अपना जो गमले में जो पौधा जब लगा के गया, तो पौधा तो जो शुरू रात में मैंने एक साल पहले ही लगा दिया, इस पे हल्के फुल्के फल हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि जो 12 मासी नींबू है इस पे ऐसा नहीं होता है कि जैसे अभी इस साल तो मतलब हमने रोक लिए फल तो ढेर सारे आ गए, और नहीं तो ये नींबू का पौधा ऐसा है कि इस पे 12 महीना 300 दिन दो चार फल हमेशा लगते ही रहते हैं। क्यों, ये कागजी देसी नींबू का यही पहचान होती है, अगर वो असली नींबू बढ़िया है तो उस पे 2-4 फल हमेशा लगते रहेंगे। और आपको इस पे फूल जो है लिमिटिक से ज्यादा आता है, क्योंकि इसकी टहनी टहनी पे फूल आता है इस नींबू के पौधे पे। तो आप अगर किसी प्रकार से अगर इस पौधे पे अगर गमले में लगा रखा है, अगर इस पे खूब सारे फूल आ रहे हैं ढेर सारे, तो आपको एक ही बात का तजर्बा करना है, क्योंकि एक तो जैसे तेज ज्यादा जो धूप पड़ती है, तेज धूप पड़ती है, तो इस पे जब तेज धूप पड़ती नहीं है तो धूप की वजह से कुछ पौधे पे ऐसा होता है कि वो फूल जो है हल्का फुल्का झड़ना चालू हो जाता है। और दूसरा तरीका एक और होता है कि जैसे अभी खूब तेज बारिश हो रही हो और फूल आ रहा हो, तो फूल भी बारिश से झड़ता है। तो वो चीज बचाने के लिए हम अपने अपने तरीका अपनाते हैं, क्यों कि हमें अगर फूल रोकना है तो उसी तरीका की हम इस पर पौधे पे मतलब कोई पन्नी वगैरह ऐसी ढांक देते हैं कि जैसे तेज धूप से बचाना है तो नेट वगैरह के नीचे रखते हैं हम, और जैसे बारिश होती है तो हम जो है हल्की सी कोई पन्नी वगैरह डाल देते हैं, तो उससे एकदम डायरेक्ट पानी नहीं गिरता और गमले में पानी भी नहीं भरता है। तो इस तरीका से हम फूल जो है बचा लेते हैं इस नींबू का पौधे का। तो आप लोग अगर इस तरीका से चाहो तो 100% जो है फूल जरूर आएगा, और मतलब फल भी बनेगा और पौधा भी आपका सुरक्षित बढ़िया रहेगा। मगर एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर नींबू के पौधे पर अगर फूल ज्यादा खूब आ रहा हो, तो उस समय आप पानी की मात्रा इसके लिए कुछ कम कर देनी चाहिए। अगर पानी की मात्रा अगर आप लोग कम कर दोगे तो हो सकता है कि वो फूल जो है फल में बदलना चालू हो जाता है। और जितनी मधुमक्खी जो आती है फूल पे, उतनी मधुमक्खी के जैसे पौधा आपका यहाँ पर रखा हो और मधुमक्खी आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कि जितनी मधुमक्खी बैठती है वो सब फूल में ही बदलता है, फल में बदल देता है जो फूल को। तो आप पानी कम दो, और जितने अगर मान लो जैसे ही फल रुक जाए, और रुकने के बाद में फिर आराम से तुम पानी खूब तेजी से इसमें डालना चालू कर दो, फिर तुम्हारा नींबू के पौधे पर 100% ऐसा ही फल आएगा। ये मैंने तजर्बा करके देखा है। तो मैं और एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका नींबू का पौधा किसी प्रकार से अगर गमले में लग रहा है, तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जिस पे जितनी जैसे बारिश होती है तो आपको बारिश से तो बचाना ही बचाना है 100%। अगर उस पर बारिश वगैरह पड़ रही है पौधे पे नींबू के, तो ये समझ लो कि वो पौधा भी तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो नीचे से गलना चालू हो जाता है और टहनी भी हल्की हल्की सूखने लगती है, क्योंकि नींबू का जो पौधा होता है वो पानी की मात्रा ऊपर की नहीं चाहता है, क्योंकि वो नीचे की पानी से ही सही लगता है, पौधा जो चलता है वो नीचे की पानी से ही बढ़िया चलता है। तो आपको इसी प्रकार का ध्यान रखना है, अगर 2 पौधे 4 पौधे अगर किसी प्रकार से अगर गमले में लग रहे हैं, तो वो पौधा जो है आप लोगों को बरसात से जरूर बचाना है। अगर बरसात से बचा लिया तो इस बात की मेरी गारंटी है कि फल जरूर आएगा उस पौधे पे, और फल भी आएगा और फूल भी आएगा भर के। ये बात भी मैंने खूब तजर्बा करके देख लिया। अब जितना भी मैंने ये बचा दिया पौधा, तो जो मैंने अपनी तरीके से बता दिया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक पन्नी सी ढांक रखी, नहीं तो ये पौधा भी नीचे से गलना चालू हो जाता। और इस पे ये नींबू का आप रंग देख रहे हो, ये भी रंग नहीं होता नींबू पे, क्योंकि ये सब मैंने पूरी बरसात से बचाया। आज अब 3-4 दिन लगातार बहुत तरीका ही बारिश हुई और इस गमले पर कोई भी असर नहीं आया। अभी जो सर्दियां आते आते अभी 2-4 बारिश और होंगी, अगर कोई भी पौधा लग रहा है तो आप इस जानकारी से आप लोग
चाहो तो उस पौधे को बचा सकते हो। तो भैया जैसे आप नींबू का पौधा अगर गमले में लगा है तो वो आपको एक जरूरी बात देखनी है कि जैसे अगर फल लग रहा है किसी प्रकार से तो आप बीच बीच में जैसे कोई मैंने खाद के बारे में नहीं बताया, मैं बताने जा रहा हूँ तो बीच बीच में मैं जैसे इस पर क्या क्या डालता हूँ वो बता रहा हूँ। तो जैसे आपको डालनी है थोड़ी सी आप सरसों की खली लीजिए और थोड़ी सी मतलब वही अंडी वाली खाद होती है, तो मैंने जो है अंडी वाली खाद का तजर्बा करके देखा है इस पौधे पे, तो वो अंडी वाली जो खाद होती है वो ही लगाना है, क्योंकि कोई मैंने अंडा वगैरह मत लगा दियो, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो अंडी की खल होती है, खर अंडी की जो पिसी हुई होती है जो तेल निकालते हैं उसकी खल होती है, तो वो वाली खल थोड़ी सी ले लो और थोड़ी सी सरसों की खल और थोड़ी सी गोबर की खाद, चाहे वो गाय की हो या गले हुआ गुड़ का हो, तो उसे तीनों चीजें मिक्स कर लो और मिक्स करने के बाद में मतलब महीना या डेढ़ महीना के अंतराल के बीच में थोड़ी थोड़ी जड़ों पे इसका नराई गुड़ाई करो और उस खाद को आराम से डालते रहो, और जब डालते रहोगे तो उस पर जैसे ही खूब सारा ढेर सारा जैसे ही पौधा बढ़िया चलना चालू हो जाएगा और रंग भी बदल जाएगा पौधे का, तो आप लोगों को ये देखना है कि अगर पौधा रंग बदल गया और पौधा सही चल रहा है तो फिर आप कोई चीज नहीं डालोगे इतनी चीज डालने के बाद में, और जब उस पर फूल आना चालू हो जाए, जब फूल आना चालू हो जाए तो आपको एक तजर्बा करना है भैया के, देखो मैंने ये तजर्बा करके देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो देख रहे होगे मेरे पास जो है सुहागा, तो इसका जैसे ही फूल आया और फूल नहीं बनता है तब भी इस्तेमाल करता है और आ जाता है तब भी करता है, क्योंकि ये चीज नुकसान नहीं देती है, और हम जो है देसी नुस्खा है और अपने खेती बाड़ी में और जो कुछ पौधों पर लगाते रहते हैं करते रहते हैं, तो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि इसका आप सुहागे का जो है इसको पीसने के बाद पौधे की मिट्टी में पीस के और इस पौधे की मिट्टी में आराम से डाल दो इस सुहागा को इसके नीचे, तो 100% आपका पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहेगा, और जो देसी नुस्खा है इसमें कोई नुकसान भी नहीं होता है, और जो 2-4 रुपये में ही आ जाता है, कोई ऐसा नहीं है 10-20 रुपये का नहीं है, तो आप चाहो तो और जे नहीं है कि ज्यादा डालो हल्का ही डालियो थोड़ा, जे जो है एक पौधे में लगभग करीब में 20 ग्राम डालना है, और 20 ग्राम डालने के बाद में ऐसा मान के चलो कि इस पे इतना फूल आएगा इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये मैंने चीज पे अजमा के देख लिया और मैंने इस पौधे पे भी करके देख लिया, तो इस पे मतलब जो फूल जो आएगा वो सब मतलब फल में बदल जाएगा, जैसे जो फल में जैसे ही बदलेगा तो जैसे ही इतने सारे इस नींबू पे आए ऐसे ही नींबू 100% आपके पौधे पा सकते, और जो है छोटे छोटे जो नींबू जो गिरते हैं वो भी समस्या आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो छोटे छोटे जो फूल पे जो नींबू बनता है वो आपका नींबू नहीं झड़ेगा। तो भैया जैसे आप लोगों ने जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे आप लोगों ने सभी चीज गमले में डाल दी, जैसे सरसों की खल है, अंडी की खाद की खल है, और कंपोस्ट वो वाली बताई मैंने जो देसी खाद बताई गुड़ की गली हुई, ये सारी चीजें आपने डाल के और इस पौधा तैयार कर लिया और पौधा भी आपका सही चल रहा है, और फिर भी आपका अगर फूल किसी प्रकार से अगर नहीं आ रहा है, तो जो चीज मैंने इस समय इस पर लगाई है तो वो तो है गर्मियों के मौसम की, और आने वाले समय में तुम्हें जो मैं बताने जाऊंगा वो बताऊंगा तुम्हें ऐसी चीज के 100% जो है मतलब फूल जरूर आएगा, वो बताऊंगा तुम्हें सर्दियों के मौसम में। या अभी जो मैं बताऊंगा तो वो इस समय जो है गर्मी है, तो इस समय वो चीज बताने की नहीं है, क्योंकि इस समय अगर आप लोग लगाओगे तो वो चीज अब काम नहीं करेगी, तो मैं तुम्हें जो है वीडियो जो बनाता रहता हूँ तो बाद में बता दूं। ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी वो आप वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर कर